नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ स्रोतों से मेरा तात्पर्य होगा प्राथमिक स्रोत, यानी जिस घटनाओं की, जिस समय की हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस समय के उपलब्ध वर्णन या साहित्य या फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। मुख्यतः प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत खासकर आधुनिक भारत के लिए हम आर्काइवल और नॉन आर्काइवल सोर्सेज की चर्चा करते हैं, यानी अभिलेखीय स्रोत और गैर अभिलेखीय स्रोत। हम अभिलेखीय स्रोतों के अंतर्गत देख सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो क्रिएटेड रिकॉर्ड्स हैं, जिसको हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स कहते हैं, इसके अलावा प्राइवेट आर्काइव्स भी हैं। विदेशों में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक भारत में यूरोप की ताकतों का, यूरोप की शक्तियों का यहाँ पर शासन भी था और उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ भी प्रचलित थीं, तो वे भी हैं। इसके अलावा उस समय के लोगों ने अपने बायोग्राफीज भी लिखे हैं, ऑटोबायोग्राफीज भी लिखे हैं और अपनी संस्मरण भी लिखे हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत में हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स और पीरियडिकल्स, यानी कि पत्र पत्रिकाएं काफ़ी संख्या में छपती थी, वे भी हमारी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत में चूंकि बहुत सारे उस समय के लोग के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड्स करके रखे गए हैं, जिनको हम ओरल हिस्ट्री आर्काइव्स भी कहते हैं, फिर वो गीतों और कविताओं के माध्यम से भी उनकी स्मृतियों को हम प्राप्त करते हैं, तो वह भी हमारे लिए इतिहास के प्रमुख साधन है। हम आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत एक एक करके इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्काइवल रिकॉर्ड्स को देखेंगे। आर्काइवल यानी अभिलेखीय स्रोत, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स यानी भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में ये अभिलेख सुरक्षित रखे गए हैं। ये मुख्यतः विभिन्न विभागों यानी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जो क्रियाकलाप होते थे उनसे संबंधित ये गवर्नमेंट के फाइल्स हैं, और उन फाइल्स के द्वारा उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की गतिविधियों, उनके नीतिगत निर्णयों आदि की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको विभिन्न जो विभाग हैं और यहाँ तक कि जो प्रदेश की सरकारें हुए भी जो अपनी रिपोर्ट भेजती थी, या प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो देसी रियासतें थी उनके साथ जो कार्रवाइयाँ होती थी, उनके संबंध में भी काफ़ी जानकारी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि राज्यों के अभिलेखागार। राज्यों के अभिलेखागार को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो प्रोविंसेस थे उनकी, जैसे कि बिहार, बंगाल, पंजाब, और साथ ही जो देसी रियासतें थीं उनके भी अपने आर्काइव्स थे। तो ये अपने क्रियाकलापों के दरमियान यानी कि राज्य सरकारें, प्रादेशिक सरकारें और जो देसी रियासतें थीं अपने क्रियाकलापों के अंतर्गत जिन रिकॉर्ड्स का निर्माण करती थी उनको सुरक्षित रखा गया है। कुछ तो राज्य अभिलेखागार में ही है और कुछ का ट्रांसफ़र भारतीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में भी किया जा चुका है। तो हम स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स का भी आकलन करके आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण साधन है जो राज्य अभिलेखागार या केंद्रीय जो सरकार के अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार में है, वे हैं प्रेसिडेंसी रिकॉर्ड्स, जिनको हम कहते हैं। हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में तीन प्रेसिडेंसी प्रमुख तौर पर थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। यानी कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम रिकॉर्ड्स हैं, मद्रास में सेंट जॉर्ज रिकॉर्ड्स हैं और फिर बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड्स हैं। ये सभी आज वर्तमान समय में मुख्य तौर पर स्टेट आर्काइव्स के ही जिम्मे रखा गया है। तो प्रेसिडेंसी रिकॉर्ड्स से भी हमको काफ़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है, खासकर उस समय के जब प्रेसिडेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उनका जो क्रियाकलाप होते थे विभिन्न देसी रियासतों के साथ या जो अन्य राज्यों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस से, वे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड्स को हम अलग शाखा के तौर पर इसलिए देखते हैं क्योंकि
उस समय जो जुडिशियर का जुडिशियरी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो न्यायिक संस्थाओं का विकास हो रहा है और बहुत सारे जो केसेस आ रहे हैं वे हमें, खासकर राजनीतिक हो या फिर दीवानी मुकदमे हो, वे हमें तत्कालीन भारत के इतिहास के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसलिए हमने कहा कि इनको अभिलेखीय स्रोतों यानी केंद्रीय सरकार यानी भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिलेखों से एक हटकर अलग से उनको हमको अध्ययन करने की जरूरत है, न्यायिक अभिलेखागारों की। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो विदेशी शासन यहाँ पर था अंग्रेजों के अलावा, तो अंग्रेजों ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में, ब्रिटिश म्यूजियम के जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा फ्रेंच सेटलमेंट, सब जानते हैं कि भारत में विभिन्न जगहों पर फ्रांसीसियों का भी आधिपत्य था, जैसे पौंडीचेरी को हम जानते हैं, चंद्रनगर जानते हैं, तो ये सारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स पेरिस के आर्काइव्स में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा पुर्तगाल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स, पुर्तगाल में उपलब्ध भारत के इतिहास संबंध में, जो कि हम जानते हैं कि गोवा में पुर्तगाल का, गोवा दमन दीव में पुर्तगाल का आधिपत्य था, तो लिस्बन के स्टेट आर्काइव्स में भी आपको इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा डेनिस का भी रिकॉर्ड्स है जो कि कोपेनहेगन में आपको मिल सकते हैं। आर्काइव्स अभिलेखों के अंतर्गत एक और कैटेगरी आ जाती है, वो है पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स की, यानी बहुत सारे रिपोर्ट्स जो थे, बहुत सारे जो कमीशंस बनाए गए थे, चाहे वो फेमिन कमीशन हो, इरिगेशन कमीशन हो, तो या रेलवे के विकास के लिए कमीशन हो, इन सब के जो रिपोर्ट्स थे वे पब्लिश्ड हैं। सेंसस रिपोर्ट्स पब्लिश हैं, गजेटियर पब्लिश हैं, सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश हैं, ये पब्लिश्ड जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमें बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। बिहार के संबंध में भी हम जानते हैं कि बुकानन के ट्रेवलॉग पब्लिश्ड हैं, जिसको ये गजेटियर के तौर पर जानते हैं। फिर LSS ओमिले के गजेटियर्स हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों के संबंधित हैं, वे हमारे इतिहास की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। हंटर का स्टेटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। इसके अलावा प्राइवेट आर्काइव्स यानी कि व्यक्तिगत अभिलेखा गार की सामग्री, इसके अंतर्गत हम दो विभाजन करते हैं। एक है व्यक्तियों के प्राइवेट पेपर्स, यानी कि यदि आप तीनमूर्ति जाइएगा, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हाउस नई दिल्ली में, तो वहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों के अपने पेपर संग्रहित हैं, जैसे सरदार पटेल के संग्रहित हैं, मौलाना बिहार के मौलाना मजहरुल हक के पेपर संग्रहित हैं, राजेंद्र प्रसाद के पेपर संग्रहित हैं, इनसे भी हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस के भी पेपर्स वहाँ पर संग्रहित हैं, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गए, इन संस्थाओं के क्रियाकलापों से संबंधित रिकॉर्ड्स हैं, वो भी हमें आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि विदेशों में भी हमारे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, चाहे वो लंदन हो, कोपेनहेगन हो, पेरिस हो, लिस्बन हो। एक और जो इस संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था और पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस थे जो वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित हैं, वहाँ के रिकॉर्ड, जैसे लाहौर का रिकॉर्ड्स रूम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इतिहास के संबंध में बताता है। अब हम चलेंगे जो एक ओरल हिस्ट्री आर्काइव्स के तौर पर हम देखते हैं। ओरल हिस्ट्री आर्काइव्स यानी कि जो आधुनिक भारत के बहुत सारे व्यक्ति थे उनके स्मृतियों को हम रिकॉर्ड्स करके रखते हैं। तीनमूर्ति में एक अलग ही सेक्शन ही है जहाँ पर मौखिक इतिहास आर्काइव्स का संग्रह है, जिसमें हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के इंटरव्यू रिकॉर्ड्स करके उनसे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ओरल ट्रेडिशंस भी होते हैं, यानी कि मौखिक परंपराएं। हम जानते हैं कि आधुनिक भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय बहुत सारी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो उसके संबंध में गीत लिखे गए, नाटक लिखे गए, ये आज मौखिक परंपराओं के तौर पर लोगों के जनमानस में उपलब्ध हैं, तो उनका अध्ययन करके भी हम ये प्राप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के संबंध में महत्वपूर्ण एक जानकारी है कि लोगों ने अपनी जीवनियां भी लिखी हैं, आत्मकथात्मक जीवनियां भी लिखी गई हैं, लोगों ने अपने संस्मरण लिखे हैं, लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, और ब्रिटिश प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा भी बहुत सारे संस्मरणात्मक विवरण उपलब्ध हैं।
जैसे एक मेमोयर्स ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जॉन बीम्स थे, उनके रिकॉर्ड्स हमारे बिहार के इतिहास को जानने के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुकानन ने अपने यात्रा वृत्तांत के द्वारा ही समझिए कि एक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स जो लिखा था, पटना का, गया का, शाहबाद का, भागलपुर का, ये बड़े हम इतिहास को जानकारी उस समय के तत्कालीन इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा जो अंत में मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है साहित्यिक विधाओं में उपलब्ध सामग्री, चाहे वो नाटक हो, चाहे कविता हो या फिर उपन्यास हो। इसके अलावा प्रतिबंधित साहित्य यानी अंग्रेजों के शासन काल में बहुत सारे ऐसे साहित्यिक रचनाएं हुई जिनको अंग्रेज सरकार ने राज्य के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था, वे भी आज हमारे यहाँ अभिलेखागारों में उपलब्ध हैं। और जहाँ तक साहित्यिक कृतियों की चर्चा है, तो यदि आप शरद चंद्र की पथ के दावेदार पाथिर दावे पढ़िएगा तो उसमें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, क्रांतिकारी गतिविधियों की व्यापक चर्चा है। प्रेमचंद के गोदान को तो हम मानते ही हैं कि उस समय के तत्कालीन भारतीय ग्रामीण समाज का एक महाकाव्य है। शरद चंद्र के अलावा बंकिम चंद्र की आनंद मठ को हम जानते हैं, जहाँ से वंदे मातरम लिखा गया था। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है। इधर भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा नाटक या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा, ये नाटक भी हमको तत्कालीन भारत के संबंध में व्यापक जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिससे हमें जानकारी मिलती है वो है पेंटिंग्स का। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश पदाधिकारियों के द्वारा भी पेंटिंग्स, ब्रिटिश कलाकारों के द्वारा भी पेंटिंग्स किए गए थे जो तत्कालीन समाज के बारे में, तत्कालीन रीति रिवाजों, संस्कृतियों के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। खुद हमारे अपने भारत में विकसित, जैसे बिहार में पटना कलम से भी हमको तत्कालीन उस समय बिहार के समाज के बारे में, पटना के जनजीवन की गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास व्यापक सामग्री उपलब्ध है, वो अभिलेखीय सामग्री भी है और गैर अभिलेखीय सामग्री है। इनके अध्ययन से हम आधुनिक भारत के इतिहास को विस्तृत तौर पर जान सकते हैं। धन्यवाद।